विश्व के प्रसिद्ध शिव धाम अमरकजी महादेव में हैं और यहाँ प्रथम पाठोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं महादेव के इस लीला को देखकर बहुत ही अलौकिक भाव में मग्न हो जाते हैं और यहाँ हर आयोजन सभी में भक्ति का भाव जगाता है। विविध रूपों में आज आयोजन हुए हैं, यज्ञादि के आयोजन हुए हैं, महाआरती हुई है और भोले को खूब आनंद ठाट से मना रहे हैं कि विश्व में शांति का भाव हो, समृद्धता का भाव हो और विश्व बंधुत्व की भावना जगे, भारत की संस्कृति अमिट रहे, अमर रहे, इसी में सबका कल्याण है। किस तरह के आयोजन आज हो रहे हैं और क्या खास महोत्सव इस अवसर पर हुआ है? आनंद गणेश जी त्रिवेदी साहब हैं, बताएं साहब। आनंद की क्या व्याख्या हो सकती है जी, आज तो परम आनंद है जी। पिछली तिथि जो पिछले वर्ष कलश का जो है स्थापत्य हुआ था, ध्वजादंड का स्थापत्य हुआ था, आज एक वर्ष हो गया है और सबने मिलकर के सारे गांवों के लोगों ने, हमारे अमर जी मंडल डीसी साहब हैं, सब कुछ सब आ गए हैं आज और ये प्रथम पाठोत्सव का आयोजन आपके सामने। बताएं किस तरह का आनंद यहाँ पे हो रहा है? जो जो आनंद हो रहा इसकी एक स्वयं अनुभूति कर पाएंगे। कई वर्षों की तपस्या के बाद में एक वर्ष पूर्व ध्वजा कलश का उत्सव किया था, आज उसका पाठोत्सव मना रहे हैं हम सभी लोग, सभी आसपास के ग्रामवासी शहरवासी सब मिलकर इस पाठोत्सव को धूमधाम से मनाया, संपन्न हुआ, नए ध्वजा जी वगैरह सब चढ़ाए गए, पूर्ण ये यज्ञ हवन वगैरह सभी पूर्णाहुति करने के बाद में सभी लोग पधारे हैं। हम अशोक जी क्या क्या आयोजन हुए थे आज विशेष करके सुबह से? कल तो 18 तारीख से रात को रात्रि जागरण था जिसमें भजन मंडली का कार्यक्रम हुआ और सुबह 6 बजे से पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ, जो 9:15 बजे हर्षोल्लास के साथ ध्वजा का कार्यक्रम किया गया और ये पहला पाठ उत्सव है अमरक महादेव में, तो इसमें बहुत ही सभी लोग सिटी के और गांव के लोग सभी पर बड़े मतलब खुशी की बात है, ये इतना अच्छा आयोजन कितने सालों बाद मतलब इसमें अब ये अमरकजी में ये आयोजन शुरू हुए हैं, एक साल हो गया उसको, ये है और बड़ा सभी को उत्साह है। समुद्र मंथन हुआ था जब हलाहल जहर निकला था और भोले ने उस जहर को अपने कंठ में धारण करके और पूरी ब्रह्मांड को एक नया रूप दिया था। आज कोरोना का समय भी हुआ था और उसी भोले के औषधि शास्त्र ने सबकी जान को एक विविध रूपों में बचाया था। आज विविध रूपों में शास्त्रों की जरूरत है, हमारा भारत विश्व गुरुत्व का दर्जा प्राप्त है और इस अवसर पर हमारे साथ में कुलपति जी हैं सारंग देव जी, इन्हीं से जानेंगे किस रूप में अब भारतीय शास्त्र को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अमरक जी ये शिव धाम है और यहाँ वैदिक पाठशाला हो और देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आए, आपका विश्वविद्यालय है, आपके विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ पर वैदिक शास्त्र की कोई एक ऐसी पीठ की स्थापना हो जाए जिस रूप में यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना तो पूरी होती है लेकिन शास्त्रों का अध्ययन और ज्ञानार्जन भी यहाँ पर हो, इसके लिए कोई ना कोई ऐसी योजनाएं आपके विश्वविद्यालय द्वारा बने जी, बताएं। सबसे पहले तो मैं इस विरासत को बचाने के लिए आनंद गणेश त्रिवेदी साहब, अशोक जी, बंशीलाल जी और सब पूरा हमारे जितने भी प्रभुजन हैं उनका बहुत ही साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि इस अद्भुत स्थान को बचा लिया और आज हम बहुत ही पाठोत्सव के प्रथम इस दिवस पर, प्रथम वर्ष की गांठ पर एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पूरी अभी हवन जो यज्ञादि वगैरह हुए उसमें सभी लोग समाहित थे। आप देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारी संस्कृति और पुरातन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब हम क्रिएशन की बात करते हैं तो ब्रह्मा की बात करेंगे, जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं विष्णु की बात करेंगे और जब हमारे दिलो दिमाग में विकार आ जाते हैं, बहुत ही बुराई आ जाती हैं तो वहाँ महेश शुरू होते हैं और वो शिव सभी बुराई को दूर करते हैं। तो अमरक जी जो एक शिव का स्थान है या माँ भगवती का भी स्थान है और ये शिव और पार्वती मिलकर
जिस तरह से हमारे समाज का जो निर्माण ब्रह्मा करते हैं, प्रोटेक्शन विष्णु करते हैं, और जो कुछ एक समय के उपरांत जो विकार आ जाते हैं उनको शिव दूर करते हैं। आप देखिए कि अभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक अद्भुत उसमें सिलेबस में एक चीज़ आई है, और वो यह है कि हमारा जो गुरुकुल पद्धति थी, हमारी जो शिक्षा का जो प्राचीन समय से नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला आदि अनेक अनेक क्षेत्र थे जिसपे बहुत ही बाहर से लोग आके पढ़ते थे, तो वो केवल इसलिए नहीं आते थे कि भारत में केवल शिक्षा लेने के लिए नहीं आते, भारत की जो ज्ञान परम्परा है, भारत की जो ऋषि परम्परा है और भारत की जो सनातन मूल्य है उसको पढ़ने पढ़ाने और अब उसको लेके और फिर बाद में विदेशों में जाके प्रचार प्रसार करते थे। तो आज हमें ज़रूरत है कि हमारी भावी पीढ़ी को हम किस तरह से हमारे जो ज्ञान है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो इस शाश्वत मूल्य हैं उनको रूपांतरित करें। तो इसमें हमें एक पूरा एक इंडियन नॉलेज सिस्टम को हमारी इस शिक्षा नीति में लेने का एक पूरा डायरेक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और UGC का। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिनका एक आज़ादी के आप देखिए 75-78 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्राचीन ज्ञान है उसको हम हमारे भावी पीढ़ी में ला नहीं पाए। अब समय आ गया है, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि बहुत जल्दी जो चीज़ें हम नहीं कर पाए अब करेंगे। और जहाँ तक आपने पीठ की स्थापना की बात करी, तो हमारे विश्वविद्यालय में ऑलरेडी एक अभी एक डिपार्टमेंट चल रहा है वास्तु और ये कर्मकांड का और पूरा, तो उसमें ये सब चीज़ें समाहित हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि अलग से कोई ज़रूरत पड़ती है और समाज के और आप सब जो प्रभु जन कुछ ऐसा डायरेक्शन देते हैं, तो हमारा विश्वविद्यालय जम्मू का विश्वविद्यालय हमेशा तत्पर है और हमेशा आपके साथ है। मोदी सरपंच साहब बताओ कैसा आनंद आया है आज? बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया है और भी आने का इच्छा हो रहा है। बताओ मोहन जी किस रूप में सर? बोल अमरीश महादेव की जय, बोल सावरिया सेठ की जय। आज हमारे की संरक्षण मंडल और आसपास के सभी जन प्रतिनिधि और भामाशाहों के सहयोग से जो प्रथम पाठोत्सव का प्रोग्राम किया गया, बहुत ही भव्य रूप में किया गया है। मैं तो साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ अमरेख जी संरक्षण मंडल को, जिन्होंने इस अमरेख जी के यहाँ स्वर्ग बना दिया है। पिछले 30-40 साल से हमारा यहाँ आना हो रहा है, लेकिन इस 10 साल के कार्यकाल में जो यहाँ विकास हुआ है, इस संरक्षक मंडल और आप लोगों की देन है। और इतना बढ़िया भव्य प्रोग्राम पिछली बार जो पाठोत्सव जो जीर्णोद्वार का हुआ है ध्वज कलश का, वही आज हो रहा है और बहुत अधिक उत्साह और माहौल है। मैं तो यही चाहता हूँ इस प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक प्रोग्राम होते रहें जिससे आपसी मेलजोल बढ़े और सामाजिक सहिष्णुता बनी रहे। जय हिंद जय भारत। मोहन जी साहब किस तरह का आनंद यहाँ हुआ है और क्या आपकी और मनोकामना है? सब ये सब आनंद ही आनंद है, जहाँ शिव है वहाँ भक्ति है, जहाँ शक्ति है। अब यहाँ बरसों की बात है, ये तो एक ऐतिहासिक तपोभूमि है यहाँ, और यहाँ एक ये खूबसूरत वैली है और उसके अंदर जो आज वैली बिखरी हुई थी उसको संरक्षण मंडल ने संभाल के रखा, इतना बड़ा स्वरूप उसको दिया। ये जो वैली आज रैली बन गई है और ये सब हमारे भाई हमारे सब साथ हैं, ये सब नीम से उठ करके आए हैं, उस नीम के पट्टे में से मैं भी शायद एक पत्थर हूँ। और इस तरह से ये जो आज बना है हमारे भाई अशोक जी, बंश जी, ये अपना अनुज गणेश जी और ये सारे हमारे भाई मिल करके हम ये शुरुआत में यहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी उनको हटाना, फिर जा करके इसका उत्थान करना, हम लगे रहे हुए थे सड़कों पर सोना, काफ़ी संघर्ष हम लोगों ने किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इन सभी नीम के पत्थरों में से मैं भी एक पत्थर था। किस तरह का आनंद यहाँ पर आता है? भगवान अमरक महादेव के श्री चरणों में नमन करता हूँ। और एक वर्ष पूर्व यहाँ पर जीर्णोद्धार ध्वज दंड और कलश स्थापन हुई थी, उसमें भगवतपाद शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था और सभी बड़े लाभान्वित हुए थे। शिव यहाँ प्रकृति स्वरूप में विराजमान है, प्रकृति शिव है और शिव ही प्रकृति है, और शिव के सानिध्य में हमें धर्म के संरक्षण के लिए प्रकृति का संरक्षण भी करना होगा। आज एक वर्ष पूर्व हुआ है, पूर्ण हो गया है और यहाँ पर प्रथम पाठोत्सव मनाया जा रहा है, हवनात्मक अनुष्ठान हुए हैं, ध्वजा जी आप देख रहे हैं, धर्म ध्वजा प्रशस्त हुई है और सभी लोगों का कल्याण करेगी, इसी भावना के साथ आप सभी को साधुवाद। अमृत जी में विविध महोत्सव होते हैं, ठंडी राखी का सबसे बड़ा मेला अमृत जी में लगता है और अब कलश यात्रा का
समय भी आया है और सावन महीने में खूब आनंद आएगा सभी महादेव के भक्तों को। कलश यात्रा का किस कावड़ यात्रा का किस तरह से आनंद आएगा बताएं। मैं बताना चाहूंगा शिव और शक्ति का अद्भुत समागम है अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच में अमरक महादेव जी मंडल का स्थापना। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक वर्ष पूर्व जीर्णोद्वार के ध्वजदंड की स्थापना हुई थी, आज पाठोत्सव है और हमने एक वर्ष पूर्व यहाँ पे सावन के प्रथम सोमवार को एक महाकावड़ यात्रा का आयोजन भवाना से हनुमान जी मंदिर से शुरू हुआ था। आज वो द्वितीय विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन हम आगे आने वाले सावन में प्रथम सोमवार को करेंगे, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म और रक्षित रक्षित धर्म की अपन रक्षा करेंगे, धर्म अपनी रक्षा करेगा, क्योंकि धर्म के माध्यम से इंसान एकता के सूत्र में बनता है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की देन है, संतों की देन है, तपो स्थली है, हम विरासत को संजोए रखें। और अमर जी संरक्षक मंडल के महानुभाव जो आज यहाँ विराजमान है इतने बड़े बड़े, इनका भी धन्यवाद कि प्रकृति को संरक्षित रखा इस मंडल को। और समस्त महानुभाव से आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान साहब निवेदन करूंगा कि आने विशाल कावड़ यात्रा को प्रभु का अपने अपने घर से अपने बावड़ियों के जल से यहाँ जलाभिषेक करें और विश्व शांति और कल्याण की मानव कल्याण की भावना के इस विश्व में कल्याण की भावना जय महादेव। किस तरह का आनंद यहाँ आता है? अमरक महादेव जी के स्थान पर बहुत समय से मैं भी आ जा रहा हूँ और यहाँ जो व्यवस्था यहाँ के संरक्षक मंडल ने जो की है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जितने भी संरक्षक मंडल के सदस्य और भक्त जन उन सबको शुभकामना देना चाहता हूं कि ये आज प्रथम पाठोत्सव आप सबके सहयोग से हम सब मनाने जा रहे हैं। तो यहां अभी तक जितना अच्छा जो वातावरण है बना के रखा है इस संरक्षक मंडल की देन है और इस संरक्षक मंडल को दोबारा मेरे तरफ से दिल से शुभकामना। बताओ कैसा आनंद है? मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से 22 जुलाई को हमारी कावड़ यात्रा का प्रस्ताव है तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को निमंत्रण देते हैं कि सब अपने अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस कावड़ को पिछले से भी भव्य रूप में सफल बनावें। अमरीश महर्षि की तपस्थली अमरक जी महादेव की लीला निराली है, यहाँ पर जो भी आता है एक बार 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 आने का मन करता है। यहाँ की छटा निराली है, प्राकृतिक वातावरण में यह तपस्थली सबको लुभाती है और नैसर्गिक सौंदर्य तो इसका अनोखा है। विविध रूपों में यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं भोलेनाथ की भक्त और खूब आनंद ही आनंद होता है। यहाँ विशेष आनंद आया है आज आनंद नहीं आया है, परमानंद आया है। हाँ। परमानंद की अनुभूति हो रही है इस स्वर्ग में अमरक जी महादेव में। हाँ। और सभी हमारे आदरणीय अनंत गणेश जी, बंसीलाल जी, अशोक जी भाई साहब का सबका सानिध्य मिला है। हमारे आर आई साहब भी बना रहे हैं, जसवंत सिंह जी राणावा साहब, और पूरे उदयपुर से भक्त लोग बना रहे हैं, गणमान्य लोग बना रहे हैं, वाइस चांसलर साहब बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है साहब महादेव के यहाँ। और दिनों दिन उत्तरोत्तर यहाँ विकास की और ये पर्यावरण के बारे में देखें बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या बात, आनंद रहा, कैसा आनंद रहा? बहुत अच्छा रहा आनंद। और ऐसा आनंद हमेशा होता रहे, जय हो। इस आनंद की किसी से किसी भी कार्यक्रम से तुलना नहीं हो सकती। बताओ कैसा आनंद है यहाँ? यहाँ तो हमेशा ही आनंद है और यहाँ आज ध्वजा चढ़ाई है तो उसका सब जने बहुत आनंद ले रहे हैं और प्रसाद वितरण हो रहा है। प्रसाद लेने आई हूँ मैं भी, अक्सर मैं यहाँ आया करती हूँ, बहुत ही सर्व सुख शांति सर्व दुख भूल जाती हूँ और जीवन में सब सुख दे रखा है प्रभु ने। प्रभु की बहुत बहुत कृपा है, हर हर महादेव। बताओ ब्रो कैसा है? बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टेंपल है। मैं सबको रिकमेंड करूंगी यहाँ आए। बस महादेव की माया है, प्रभु जो चाहते है वही होता है। वाह, जय हो। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है साहब, सेवा लोगों की सेवा करके बहुत आनंद आ रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है।
जय कैसा आनंद आता है आज बहुत अच्छा आनंद आता है एकदम महादेव की कृपा है महादेव की कृपा है आनंद ही आनंद है महा आनंद है आज ऐसा मेला अच्छा लगता है दो जगह के लगा या आज भी लगा सब बोलो कैसा आनंद आ रहा है आनंद ही आनंद है महादेव जी के स्थान पे सबको ही आनंद आता है महादेव के स्थान पे तारा में तारा शेख बोली हाँ बताओ आनंद ही आनंद है अच्छा अच्छा लग रहा है आनंद है अच्छा आनंद है अच्छा प्रोग्राम सभी आनंद दे रहे कई भजन चल रहे हैं कई आरती चल रही है कई भोजन चल रहा है अच्छी व्यवस्था जय बताओ कैसा आनंद आ रहा है यहाँ पे आके अच्छा अच्छा बहुत बताओ यहाँ पे बहुत शांति है और बहुत हरियाली हरियाली कैसा आनंद आता है बहुत अच्छा लग रहा है बताओ बहुत आनंद आ रहा है आप मामा मछलियाँ भी क्योंकि आज अमरक जी महादेव का पाठोत्सव है प्रथम इसमें हमारे समाज बंधु प्रजापा समाज हमारा अध्यक्ष है प्रकाश जी वहाँ भी हमारे कार्यकारिणी सब पधारे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रकृति में जो विराजे हुए हैं अमरक जी महादेव अपने केदारनाथ प्रभु की तरह उनकी याद दिलाती है जो प्रभु वहाँ दर्शन न कर पाए वो यहाँ पे आकर आशीर्वाद जरूर प्राप्त करे और आनंद की अनुभूति प्राप्त करे जैसा आनंद आया है आज बहुत अच्छा आनंद हुआ है एक साल पहले जो कलश वगैरह जो कार्यक्रम था उसमें भी हम आए थे संत लोग आए थे राष्ट्रीय संत आए थे उसमें भी आप पधारे थे कार्यक्रम अच्छा होता इस बार भी कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हुआ है और इन्होंने बंसीलाल जी ने घोषणा की थी कि गुरुकुल का एक नींव की रखेंगे यहाँ पे तो गुरुकुल भी चालू होना चाहिए मेरा तो ये है निवेदन है बताओ कैसा आनंद है बहुत बढ़िया आनंद है हवन हुआ बहुत अच्छा लगा महादेव जी के मंदिर पे ऐसा हमेशा होना चाहिए बताओ बहुत ही आनंद का विषय है कि उदयपुर शहर के इतने नज़दीक प्राकृतिक ये एक जो हमारा प्राचीन स्थान है और मैं संरक्षण समिति को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बहुत संघर्ष करके इस स्थान को संरक्षण किया है और यहां पर क्योंकि सिटी के इतना नज़दीक है लोग लाखों रुपए हजारों रुपए खर्च करके और विभिन्न जगह जाते हैं और आज ये प्राचीन स्थान है और आने वाले जो श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा होने वाली है भुवाणा से लेकर यहाँ पर तो मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर की भागीदारी भी इसमें हो जय महादेव जय कैसा आनंद आया है आज आज का दिन बहुत अच्छा रहा और खूब आनंद ही आनंद आया और महादेव जी की कृपा से आज का जो ध्वजारोहण का प्रोग्राम था पूरे ग्रामवासी सरपंच साहब सभी बड़े बड़े अधिकारी आए और इतना आनंद आया और इतना भगवान शिव जी की कृपा रही कि सब काम आनंद से पूर्ण हो गया हमारे बुआना के सरपंच साहब का बहुत इसमें सहयोग रहा कैसा आनंद आया बहुत बढ़िया आनंद आया अच्छा कार्यक्रम में और हमेशा आनंद रहे एकदम आनंद रहा सरपंच साहब का पूर्ण सहयोग है इसमें आज आनंद प्रफुल्लित हो गए हैं हम सब यहाँ का प्रोग्राम देख के ये पाठोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और सारे भक्त लोग यहाँ पधारे हुए हैं और सब आनंद ले रहे हैं बताओ महादेव का बहुत अद्भुत आनंद है जो कि एक साल पहले लिया था यही तिथि थी और यही दिन था और आज भी यही वापस ध्वजा और उसका आनंद लिया गया और बहुत ही आनंद आ रहा है बहुत ज्यादा आनंद है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के अमरक जी के यहाँ आकर सभी भक्त भोले के दर्शन तो करते ही हैं यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में भी खूब आनंदित होते हैं मानो लगता है कई हिमालय के बीच ही आ गए हो और खूब आनंदी आनंद होता है यहाँ की जो प्राकृतिक छवि है वातावरण है यहाँ की आबोहवा है खूब आनंदित करती है सभी भक्तों को बताएं किस तरह का आनंद यहाँ पर हो रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है आज वहाँ गुड़िया का बर्थडे भी है हाँ। तो इसलिए दर्शन करने भी आए और यहाँ भी यज्ञ वगैरह होम वगैरह हो रहा है पूजा बहुत ही अच्छा लग रहा है हाँ। बताओ कैसा आनंद है जय महादेव यहाँ पे आए हैं हम अमरक महादेव जी आज पाठोत्सव है बहुत अच्छा लग रहा है हर साल वो होता है और इस साल भी बहुत अच्छा हो रहा है ये महादेव जी का प्राचीन मंदिर है यहाँ हम दर्शन करने आए हैं और आके बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके शांति मिलती है बताओ कैसा आनंद आ रहा है अच्छा आज क्या है आज मेरी मम्मी का बर्थडे है अरे वाह
कोई अपने जन्मदिन पर होटलों में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन ये परिवार मोची समाज का बहुत ही आनंद से भोले की भक्ति कर रहा है और अपने परिवार को यहाँ भोले के दरबार में लाया है। पूरे वर्ष भर खूब आनंद से ये खूब अपना काम करे और भोले की भक्ति करे। महादेव जी जय हो। भक्त आते हैं और खूब आनंद लेते हैं, कार्यकर्ता के रूप में हो या भक्तों के रूप में हो। बोलो कैसा आनंद आ रहा है यहाँ? आपके बहुत आनंद आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप आके दर्शन करें, हम रोज आके दर्शन करते हैं, बहुत ही आनंद आता है। बताओ कैसा आनंद है? जय हो बोले, बहुत अच्छा आनंद है। जय। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और कैसा आनंद आ रहा है? बस अच्छा है। हैं कहाँ, क्या नाम है आपका? देवीदास जी। देवीदास जी, और कहाँ से पधारना? बिलों का बेदला। बिलों का बेदला, अच्छा अच्छा। कैसा आनंद आ रहा है यहाँ? बहुत अच्छा है। वाह, तो यहाँ आके कैसा आनंद आता है और आज विशेष रूप से कैसा आनंद आ रहा है बताओ? यहाँ आके यूँ शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बताओ? यहाँ आके एकदम पीसफुल है, शांति है, बहुत अच्छा लगता है। जय। कैसा आनंद आया है यहाँ पे? बहुत अच्छा आनंद है, बहुत प्राकृतिक, बढ़िया है, नेचुरल है पूरा। अच्छा, कहाँ से आए आप? डूंगरपुर से। अरे वाह, तो यहाँ पे आके कैसा आनंद आया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमको, प्रकृति की गोद में आ गए हैं ऐसा लग रहा है। आप बताओ? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। आनंद हुआ है आज, आनंद ही आनंद है, महादेव के अमृत महादेव में आनंद ही आनंद, आनंद परमानंद। बताओ कैसा आनंद आया है आज? नमस्कार, नमस्कार। आज कैसा आनंद आया? ठीक है, बताओ। महादेव जी की मेहरबानी है, इनके चरणों में आए। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और हमारा अखबार हमारा प्रचार प्रसार करते रहो, वृक्षारोपण करवाते रहो, सबसे बड़ा काम वृक्षारोपण का कार्य। हाँ, महादेव जी को क्या कहा? महादेव जी को कहा हर साल ऐसी कृपा बनाए रखना। वाह, कैसा आनंद आया है आज? बहुत आनंद आया, अच्छा। बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, सबसे मिलना हो गया, महादेव ने सबको मिला दिया। जय हो। जी बताए। अमृत जी महादेव के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, पाठोत्सव और ध्वजा का कार्यक्रम था आज और बहुत आनंद आया है। अब महाप्रसादी का कार्यक्रम स्टार्ट होगा तो बहुत सबने मिलके सब आनंद किया है सबने। जय हो, जय जय के दरबार बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल हवा और सारा बहुत अच्छा वातावरण है। ठीक ठीक हाँ हाँ सर, आप बताओ कैसा आनंद है? आनंद आनंद, महादेव के चरणों में आनंद ही आनंद है सर। मैं ओंकार जोशी जिलाध्यक्ष मेवाड़ प्रतापगढ़। हमारे बड़े भाई साहब पिता तुल्य, बरसों से हम देख रहे हैं कि इस महादेव प्रांगण के अंदर बहुत विकास हुआ है। इस विकास समिति में बंसी जी भाई साहब, कुमार जी भाई साहब और पूरा संगठन इस विकास के लिए झुंझर रूप से जुड़े हुए हैं और यहाँ का विकास डेवलपमेंट देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद उदयपुर के आसपास इस तरह का महादेव स्थान कहीं भी नहीं है और आगे भी हम इस संगठन से आशा करते हैं कि इससे भी और चार चांद लगे ताकि ये बहुत रमणीय स्थान हो जाए और अच्छा सिटी के पास में होते हुए इतना बढ़िया स्थान और कहीं भी नहीं है, ये मेरा कहना है। बहुत आनंद आया है, महादेव जी के स्थान पर हैं हम और सृष्टि के रचयिता विनाशक सब महादेव जी हैं और आज पाठोत्सव हुआ अमृत जी महादेव का, तो बहुत ही अच्छा अवसर है ये और आप जैसे मित्र से भी मुलाकात हुई हमारी। जय हो। कैसा आनंद आया है अमृत जी में? हाँ बताओ।
अमृत जी में तो आज तो खैर विशेष आनंद रहा ही है, लेकिन प्रतिदिन कभी भी आओ आप, एक आनंद की अनुभूति इस स्थान पे वैसे ही होती है, क्योंकि हम ऐसी प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं और शिव जी के दर्शन करने के बाद जो मन में जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो वास्तव में आनंदनीय है। बताओ कैसा आनंद आया है आज ये अमरेक जी महादेव में? बहुत आनंद आया। साल का पहला पाटो उत्सव मनाया गया और ये जो संरक्षण है अशोक जी, कुमावत जी, बंसीलाल जी, आनंद जी, त्रिवेदी जी, इन्होंने धरोवर जो बचाई है ये सिटी के पास में, ये बहुत बड़ी उत्पली के काम किया हुआ है, बहुत विकास का काम हुआ। और कैसा युवाओं को यहाँ पे कैसा आनंद आता है? युवाओं को बहुत प्रसन्न होती है, शांति का वातावरण है। अमृत जी महादेव जी का जैसे कि आपको विधि थे कि एक साल पहले शिखर कलश का कार्यक्रम हुआ था, आज प्रथम ध्वजा है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रसाद का कार्यक्रम रखा है और बहुत ही अच्छा लगता है हमें भी देख करके। इतनी पब्लिक आती है, पहले जब इसका थोड़ा खंडित हो रहा था तब पब्लिक आने से डरती थी, लेकिन आज जो इतनी पब्लिक हम देखते हैं, जो अभिषेक करने आते हैं, जो लोग दर्शन करने आते हैं, पिकनिक करने आते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। जैसा कि आपको अंकल ने बताया कि मेरे पिताजी हैं अनंत गणेश जी, त्रिवेदी जी हैं, बंसी अंकल जी, उन्होंने इस धरोहर को बचाने के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत कड़ी मेहनत करी है, तो उसका आपको ये अभी दिख रहा है सब कुछ। आज का जो महाप्रसाद है भोलेनाथ के यहाँ से है, तो ये भोलेनाथ में ये रूपलाल जी डांगी, रूपलाल जी नागर साहब, ये प्रेम शंकर जी डांगी, अशोक जी कुमावत की तरफ से अपनी इच्छा से कर रहे हैं महाप्रसाद बड़ा। तो उन्हीं की माया है, उनकी माया के हिसाब से सब काम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। जय हो। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? आनंद साहब बहुत अच्छा आ रहा है, हर साल ये प्रोग्राम करते हैं और हमेशा चलता रहे और आते समय और भी अच्छा हो।